नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर महासंग्राम नाम से एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें हम 12th एग्रीकल्चर यानी कि 12वीं कृषि के फसल उत्पादन, पशुपालन और कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के सभी पाठ्यक्रम के सभी चैप्टर्स को, सभी यूनिट्स को हम फ्री वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ब्लू प्रिंट के आधार पर हम जो है फ्री वीडियोज आपको दे रहे हैं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पादप पोषण। पादप पोषण क्या होता है? तो पादप पोषण सिंपल भाषा में हम बात करें कि पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए या पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम आवश्यक पोषक तत्व कह देते हैं। 16 पोषक तत्व की आवश्यकता थी आर्नन और स्टाउट के अकॉर्डिंग, अब जो है 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि पादप पोषण क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि पौधों को स्वस्थ रहने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वही उसका पादप पोषण कहलाता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, वे सभी पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, इसी को हम पादप पोषण कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बहुत सटीक तरीके से एग्जाम में लिख सके और अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सके। इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, वैसे तीन कैटेगरी होती है पोषक तत्व की, जो कैटेगरी होती है तीन कैटेगरी होती है। एक संरचनात्मक पोषक तत्व होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें केवल तीन आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि मृदा में जल, मतलब मृदा में जल से और वायु से प्राप्त हो जाते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड से प्राप्त हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो होता है पौधे का 95% भाग बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो 5% बचता है उसमें आपका आ जाएगा, एक सेकेंड वाले में आ जाएगा आपका मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, और थर्ड वाले में आपका आ जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व, बस ये तीन भागों में हम पोषक तत्व को बांटते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाता है। मुख्य पोषक तत्व में आपके दो कैटेगरी आ जाती है, फिर एक आता है आपका प्राथमिक पोषक तत्व और एक होता है आपका द्वितीयक पोषक तत्व, प्राइमरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। प्राइमरी में, प्राथमिक पोषक तत्व में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। उसके बाद द्वितीयक जो आवश्यक पोषक तत्व होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ जाता है सर। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो उसमें लोहा, तांबा, कॉपर, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सटीक तरीके से इसको जान रहे हैं, तो यहां तक आपने समझ लिया होगा। मुख्य पोषक तत्व में क्या आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी आप यहां पर लिख सकते हैं। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, कोपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, निकल भी इसमें आ जाता है, तो ये हमने समझ लिया, इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। दो नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें, जो आवश्यक पोषक तत्व को हमने बांटा है या फिर पोषक तत्व को हमने जो कैटेगरी में बांटा है उसमें एक मुख्य पोषक तत्व में हमने पढ़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये जो आपकी 12th बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें इन तीनों पोषक तत्वों से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो हम इन तीनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के कमी के क्या लक्षण होते हैं, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता अगर पौधों में हो जाए तो क्या होगा, फास्फोरस का क्या काम होता है, फास्फोरस की कमी से क्या होता है पौधे में, पोटास का काम क्या होता है, पोटास की कमी से क्या क्या लक्षण पौधा प्रकट करता है, ये हम यहाँ पर जानने वाले थे। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है इसलिए हम इसी को कवर करेंगे, तो आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप 12th प्लस PAT, ICAR या फिर BHU या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में कक्षाओं को संचालित कर रहा है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम में भी हम नोट्स और कक्षाएं आपको दे रहे हैं। न्यूनतम से न्यूनतम फीस में हम आपको कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको जो है 12th का संपूर्ण सिलेबस YouTube पे मिलने वाला है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।
चलिए सर, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फास्फोरस पर नाइट्रोजन के प्रभाव, सॉरी पौधों पर नाइट्रोजन के प्रभाव। पौधों पर नाइट्रोजन के प्रभाव का मतलब क्या है कि जो हमने जाना CHO तो खत्म हो गया, संरचना तो पोषक तत्व खत्म, तो ये इसको यहाँ पर नहीं जानना है। जो मुख्य पोषक तत्व है, एक बार फिर बता देता हूँ, जो मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व को दो कैटेगरी में बांटा है, एक प्राथमिक पोषक तत्व और एक द्वितीयक पोषक तत्व। फिर प्राथमिक पोषक तत्व में आपका NPK आता है। सर इनको प्राथमिक पोषक तत्व में क्यों डाला है? इनको प्राथमिक पोषक तत्व में इसलिए डाला है क्योंकि पौधों को इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हमने प्राथमिक पोषक तत्व में डाला है। इनके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है और सल्फर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन का प्रभाव जान लो, या फिर एग्जाम में लिखा आएगा कि नाइट्रोजन के कोई दो कार्य लिखिए, दो नंबर में प्रश्न आएगा तो आप दो की जगह तीन लिख देना, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। चलो जान लेते हैं, ये क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। मतलब फसल में, पौधों में पत्तियों का जो हरा रंग आता है वो नाइट्रोजन के कारण आता है। हिंदी में हम इसको और नाइट्रोजन को नत्रजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक बात। दूसरा क्या है? पौधों में वृद्धि को तीव्र गति से कराता है। मतलब कि जब नाइट्रोजन गहरा हरा रंग प्रदान कर रहा है, उसके साथ पौधों की वृद्धि में भी ये सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक बात। उसके बाद दाने को मोटा एवं गूदेदार बनाता है। दाने को मोटा बनाएगा, गूदेदार बनाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है ये? उसके बाद क्या कर रहा है? दाने तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा रहा है। दाने वाली फसल जो अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, चारे वाली फसल जो लेग्यूमिनस में आ जाती है, बरसीम लोबिया वगैरह, इनमें क्या करता है? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद क्या कर रहा है? नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल व प्रोटीन बनते हैं। क्लोरोफिल मतलब कि जो पत्तियों में पाया जाता है, ये हरा रंग प्रदान करता है, ये नाइट्रोजन से ही संबंधित है। तो ये हमने यहाँ पर जान लिया, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई दो पॉइंट आप आसानी से याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इसके बाद आगे हम जानेंगे, ये तो नाइट्रोजन का कार्य होगा, हो गया, या उसके महत्व हो गया। हम बात करें नाइट्रोजन की अगर पौधे में अधिकता हो गई, मतलब कि किसान ने अगर पौधे में नाइट्रोजन को ज्यादा मात्रा में दे दिया तो क्या होगा? तो ये होगा, पहला पॉइंट आप देख लो, या हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजन ऑन प्लांट्स, तो पौधे क्या होंगे? ज्यादा कोमल हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। मतलब उनका क्या होगा? जो हरा वाला भाग है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? उनकी वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, तो कोमल ज्यादा हो जाएंगे, उनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन पर आकर्षित होंगे, बहुत सारी बीमारियां उनमें आकर्षित होंगी। पौधे अधिक कोमल हो जाएंगे, मतलब मुलायम हो जाएंगे और हवा से गिर जाएंगे, यानी उनमें क्या हो जाएगी? लॉजिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? कोमल पौधे पर कीड़े मकोड़े का आक्रमण होगा और बहुत सारी बीमारियां उसमें लग जाएंगी, ये हमने जान लिया। उसके बाद भूसे के अनुपात में दाने में गिरावट आएगी, दाने और भूसे के अनुपात में भी गिरावट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? भूसा ज्यादा बढ़ जाएगा और दाना कम रह जाएगा नाइट्रोजन ज्यादा देने से। उसके बाद फसल के गिरने से उपज भी कम हो जाएगी, लॉजिंग की हमने यहाँ पर इसी पॉइंट में बात कर ली। उसके बाद वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने से आलू आदि फसलों की उपज कम हो जाती है। कहने का मतलब नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा? वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी। तो वनस्पतिक वृद्धि कोई काम की नहीं होती है, हमको क्या है? उसके जो दाना वाला भाग है, फली वाला भाग है, उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th की परीक्षा के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बस आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। उसके बाद बात करें पौधों में नाइट्रोजन की कमी, तीन चीजें हमने जानी है। पहला जाना हमने नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन की अगर पौधे में अधिकता हो रही तो क्या होगा, और नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो क्या होगा। तो हम कमी के बारे में जान रहे हैं। कमी की बात करें तो इसकी देखो, नाइट्रोजन क्या कर रहा था? पौधों में हरा रंग प्रदान कर रहा था। कमी होगी तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाएंगी, पहला पॉइंट वहीं से बन गया। दूसरा क्या कर रहा था? ये दाने और भूसे का अनुपात बढ़ा रहा था तो कमी से घट जाएगा, ये चीज हम याद रख लेंगे। और ये पौधों में दाने और अनाज फली वाली फसलों में ये प्रोटीन को बढ़ाता है तो प्रोटीन की कमी होने लगेगी, यही सब यहाँ पर है। और अनाज वाली जो फसलें होती है उनमें क्या करेगा? कल्ले को कम फूटेंगे, जो कल्ले फूटते हैं, जो टिलर्स होते हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तो उत्पादन वैसे भी कम हो जाएगा। ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि कम होती है और पौधे क्या होंगे? छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर पौधों का क्या होगा? वृद्धि कम होगी। ठीक है, अनाज वाली फसलों में कल्ले कम निकलेंगे, ये अपन को याद रखना है। नाइट्रोजन की अधिक कमी से पत्तियां क्या हो जाएंगी? सफेद हो जाएंगी। अगर नाइट्रोजन की कमी ज्यादा हो गई तो पत्तियां सफेद हो जाएंगी और कभी कभी पत्तियां जल भी जाती है, मतलब पत्तियां कुछ ऐसी जाली नुमा बन जाएंगी। ठीक है, जाली नुमा पत्तियां बन जाएंगी नाइट्रोजन की कमी से। तो हमने नाइट्रोजन को जान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस, इसको हिंदी में स्फुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि पौधों में स्फुर के कार्य लिखिए, स्फुर मतलब फॉस्फोरस के काम करिए, नाम लिखिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए,
नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन को हम N से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं और पोटाश को K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम P की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन को हमने खत्म कर लिया, फिर पोटाश को जानेंगे। तो नाइट्रोजन कंप्लीट होने के बाद फास्फोरस के प्रभाव या फास्फोरस के कार्य बोल दो आप, कार्य भी हम इसको कह सकते हैं, पौधों में फास्फोरस के क्या काम है, ठीक है, या पौधों में फास्फोरस का क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी, फास्फोरस क्या करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद जड़ों में उपस्थित जो ग्रंथियां होती हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में स्थिरीकरण करने का काम करती है। जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करने का भी काम करती है, इसमें फास्फोरस उनको मदद करता है। दो पॉइंट हमने याद कर लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, दाना और भूसे का अनुपात को बढ़ाएगा। नाइट्रोजन क्या कर रहा था, केवल भूसे का अनुपात को बढ़ा रहा था, और फास्फोरस दाना और भूसा दोनों के अनुपात को बढ़ाएगा। उसके साथ ही जो फल वाली फसलें होती है, जो फल होते हैं, फल में चमक और दाने में चमक कौन देता है, फास्फोरस देता है। इंपॉर्टेंट है, कोई दो पॉइंट आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, फास्फोरस के दो महत्व लिखिए, दो कार्य लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम फास्फोरस की कमी के लक्षण। पौधे में अगर फास्फोरस की कमी होगी तब क्या होगा, या फसल में फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, क्या होगा सर, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी से कैसा हो रहा था, पीला हो रहा था, और फास्फोरस की कमी से कैसा हो रहा है, बैंगनी हो रहा है, ठीक बात। उसके बाद जड़ों का विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि जड़ों को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा था, फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ें कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद फसल जो है वो भी देरी से पकेगी। इनमें से आप दो पॉइंट, कोई तीन पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये आपका फास्फोरस हो गया। इसके बाद हम बात करें पोटाश। पोटाश क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटाश जो होता है पौधों के अंदर या फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करता है, कौन, पोटाश, ठीक है, ठीक बात। क्या लिखा है, पौधों में बीमारी एवं कीड़ों से सहने की क्षमता, यानी सिंपल भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता की ही बात कर रहा है। गन्ना जो होता है, सुगरकंद जो होता है, उसमें जो रस होता है जिसको हम शर्करा के नाम से जानते हैं, उसके स्थानांतरण यानी कि निचले हिस्से से ऊपर और ऊपर हिस्से से नीचे लाने ले जाने का काम भी कौन करता है, फास्फोरस करता है। उसके बाद जो पत्तियां होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं, जिनको हम पर्णरंध्र या फिर स्ट्रोमेटा के नाम से जानते हैं, उनको खोलने और बंद करने का काम भी क्या करता है, फास्फोरस ही करता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। उसके साथ तने को भी मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने ये सब जान लिए, पोटाश के प्रभाव, या फिर इसको भी हम पोटाश के कार्य कह सकते हैं, ठीक बात। उसके बाद आगे बात करेंगे पौधों में पोटाश की कमी के लक्षण। पौधों में पोटाश की कमी के लक्षण यानी कि पौधों में पोटाश की कमी से क्या क्या होने वाला है, या पौधा कौन कौन से लक्षण प्रकट करेगा। सबसे पहले नाइट्रोजन के कार्य जाना, नाइट्रोजन के फिर अधिकता जाना, फिर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जाने, फास्फोरस के कार्य जाना, फिर फास्फोरस की कमी के लक्षण जाना, पोटाश के कार्य जाने, अब हम पोटाश की कमी के लक्षण जान रहे हैं। क्या होगा, पत्तियां भूरी हो जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा आप बना के लिख सकते हो, पत्तियां धब्बेदार हो जाएंगी। उसके बाद आप लिख सकते हो, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। ये पॉइंट तो आप हर एक उसमें लिख सकते हो, 12th की परीक्षा में अगर आपको एक पॉइंट बढ़ाना है तो आप कमी में किसी में भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, किसी में भी, ठीक है, आप कॉपर, बोरॉन, किसी में भी आप ये लिख सकते हैं कि पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, उपज में कमी आ जाएगी, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। वृद्धि रुक जाएगी, तना क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। और क्या होगा, जब वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहा था किसको, पौधे को, अब कमी होगी तो क्या होगी, रोग प्रतिरोधक जब क्षमता कम हो जाएगी तो बीमारियां अधिक लगेंगी। और क्या करेगा, पौधों का ये एंजाइम पर नियंत्रण भी करेगा, ठीक है। ये हमने पोटाश की कमी के लक्षण जान लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना है। आपके जितने भी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है या ग्रुप है, उस सभी पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे पौधों के लिए आवश्यक क्रांतिक तत्वों के नाम है, उनकी कमी से पौधों में उत्पन्न लक्षण को बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपन ने अभी एनपीके को जाना ना, उसका सभी का एक समराइज, एक ही दो नंबर में आपका ये प्रश्न इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें पौधों के लिए आवश्यक क्रांतिक पोषक तत्व कौन कौन से है, हमने जाना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व में आते हैं। और अगर पूछे कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तब भी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। द्वितीयक में कौन होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होंगे, ठीक बात। पोटेशियम की कमी से लक्षण जान लीजिए, दो लक्षण, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, अभी जाना हमने,
पौधों की वृद्धि कम हो जाएगी, ये हमने जाना। नाइट्रोजन की कमी की बात करें तो पौधे पीले पड़ जाएंगे, ठीक है, उनकी हाइट कम होगी, ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक बात। उसके बाद फास्फोरस की कमी से क्या होगा, पौधों की पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाएंगी और दाल वाली फसलों में गांठों का निर्माण क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हो गया एनपीके की कमी के लक्षण। इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जो अक्रांतिक पोषक तत्व में उनके कार्य बताइए, मतलब कि यहाँ पर हो गया पोटेशियम की कमी तो पोटेशियम के कार्य अपन ने पीछे जाना है, उसको आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन के कार्य और फास्फोरस की कार्य। आगे आपका जो चैप्टर है खाद एवं उर्वरक, उसकी वीडियो चैनल के उस पर डली हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको देख सकते हैं। उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसको भी समझाया गया है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हमने इस वीडियो पे, इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताया है, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपका जो महासंग्राम सीरीज चल रहा है उसमें आपका फसल उत्पादन का, सिंचाई एवं जल निकास के 3 पार्ट हुए हैं। पहले और दूसरे पार्ट में हमने पूरी चैप्टर्स को कवर किया है और थर्ड पार्ट में उसके जो एमसीक्यू हैं, जो ओटी हैं, वो हमने लगाए हैं, ठीक है। पशुपालन का आहार एवं पोषण फर्स्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और दूसरा उसका जो है हमने ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कंप्लीट कर लिया है। ये आपका फसल उत्पादन का 12वीं कृषि का दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियो में फसल उत्पादन, पशुपालन, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के जितने भी पार्ट हैं आगे आने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क रहने वाले हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ आपको इसको शेयर करना है। अगर आपकी कोई कमेंट हो या कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।